हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 2 साल के बच्चे के लिए सरल सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पल्ला लिया है और यहाँ पर हमने जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया है तो उतना हमें उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये पल्ला हमारा बटन वाला रहेगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग करी थी, तो अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी अपलोड करी हुई है, तो उसको ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है और यहाँ पर जो दूसरा वाला पल्ला है इसमें हम काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो काज वाली पट्टी हम थोड़ी सी चौड़ी इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम बुकरम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए हम ये शर्ट बना रहे हैं, तो छोटे बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि बुकरम लगाओ। तो यहाँ पर हमने देखी काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है, ऊपर से सफाई के साथ कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। इस वाले पल्ले में हम पॉकेट लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने पॉकेट को पहले से ही तैयार कर लिया है। देखिए, हमने चौड़ाई इसकी रखी है 3 इंच और लंबाई हमने रखी है 3 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम इस पॉकेट को यहाँ पर रखेंगे। देखिए, 5 इंच हमने नीचे की तरफ इस पॉकेट को रखा है और जो हमने सिलाई लगाई थी काज पट्टी के लिए वहाँ से आधा इंच दूरी पर हमें इस तरह से पॉकेट को रख लेना है और तीनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखी पॉकेट को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और पीछे वाले पल्ले की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और आगे वाले पल्ले की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। फिर हम पल्ले को इस तरह से घुमाएंगे और ऊपर की तरफ दाब सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने शोल्डर को सिल लिया है। देखिए इस तरह से अब हम दोनों पल्ले को बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद हम यहाँ पर दोनों तरफ से कट लगाएंगे शोल्डर के बीचों बीच। तो हमने कट लगा दिए हैं, अब हम बाजू से लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, कप को तैयार कर लेते हैं। तो हमने नीचे कपड़ा रखा है और उसके ऊपर बुकरम रखा है। कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, ये बुकरम हमारा चिपकने वाला नहीं है। तो अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है? तो इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हम इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है। अब हम बाजू को लेंगे और यहाँ पर हमारी जो कप की चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो 7 को आधा करेंगे तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है। इससे थोड़ी सी दूरी पर हम साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है और बाजू को हम उल्टा रखेंगे और जो हमारा कप है उसको सीधा रखेंगे इस तरह से। और जो अभी हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई थी तो उसको एक बार इस तरह से और फोल्ड कर लेना है।
और फोल्ड करके इस तरह से कप को सिल लेते हैं। इस साइड में भी हम इस तरह से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी है। तो देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है और जो सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ कर देना है और ऊपर की तरफ एक डाब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाजू में कप सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी देखिए इस तरह से कप सिला है। तो अब हम क्या करेंगे, शर्ट को लेंगे और शर्ट में जो हमने कट लगाया है वो कट और जो बाजू में कट लगाया है इन दोनों कट को हमें इस तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। शर्ट की जो सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो बाजू की सीधी साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बाजू को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है, अब हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है देखिए इस तरह से। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पल्ले को एक बराबर करेंगे और साइड में सिलाई लगाएंगे। साइड में जो हमने एक इंच का मार्जिन लिया है तो वहीं पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम 3 इंच तक ओपन साइड रखेंगे बाजू की। अब हम इसमें डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी पल्ले को एक बराबर रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी देखिए इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। इस तरह से हमारी दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कॉलर को सिलेंगे। तो पहले हम कॉलर को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और कपड़े के ऊपर हमने इस कॉलर को रखा है। तो इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर भी सिलाई को लगा लेते हैं। यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे।
बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर हम इस कॉलर को इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर कट लगा देते हैं। फिर हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। और यहाँ पर कैंची की मदद से नुक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर पहले एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। और ऊपर की तरफ भी सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, शर्ट को लेंगे और शर्ट की सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे। जो हमारे कॉलर की सीधी साइड है उसको भी हमें ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से अच्छे से रखना है और रखने के बाद सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम इस तरह से कॉलर को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है और जो हमने अभी सिलाई लगाई थी उसको हम अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे और एक ऊपर की तरफ दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई को लगा लेते हैं।
तो हमने एक बार फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम दोबारा से फोल्ड करेंगी और दोबारा से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने दोबारा से भी फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है और जो हमारी शर्ट है वो सिलकर तैयार हो गई है। और ये शर्ट हमने 2 साल के बच्चे के लिए बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और दोस्तों मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।